दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्यूआर कोड और बारकोड के बारे में। क्यूआर कोड और बारकोड क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसे आप कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं और आप खुद का अपना क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, सभी लोग इसे अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। कोई अपने विजिटिंग कार्ड पर लगाता है तो कोई अपने प्रोडक्ट पर तो कोई अपने शॉप पर इसको लगाता है। काफ़ी सारे लोग क्यूआर कोड और बारकोड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, आखिर क्यूआर कोड और बारकोड होता क्या है और इसे कैसे काम करता है और इसे कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूआर कोड और बारकोड होता क्या है। और क्यूआर कोड और बारकोड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट करके स्टोर करते हैं। बार कोड में आप सिर्फ नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, जबकि क्यूआर कोड में आप अपना कोई डाटा जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस या फिर ईमेल आईडी, अपने वाईफाई का पासवर्ड या किसी वेबसाइट का यूआरएल, कोई भी डाटा आप इसके में स्टोर कर सकते हैं। एक बार जब डाटा स्टोर कर देते हैं, स्टोर करने के बाद अपने क्यूआर कोड या फिर बार कोड को कहीं पर भी शो कर सकते हैं। किसी को आप पेमेंट लेने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ की डिटेल्स को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उसको स्कैन करेगा तो जो डाटा आपने उसमें डाला है, उसके अंदर स्टोर किया है, तो उसको ईजिली से वो रीड कर सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूआर कोड और बार कोड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको आप कैसे अपने लिए यूज़ में ला सकते हैं। क्यूआर कोड और बार कोड में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और कोई भी पर्सन उसमें ईजिली रीड कर सकता है जो आपने डाटा उसमें स्टोर किया है। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसी के बेस पर आप इसमें काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप एक क्यूआर कोड बनाकर उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। आप अपने विजिटिंग कार्ड पर अपने क्यूआर कोड को आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा होगा कि आप अपने विजिटिंग कार्ड पर आपकी डिटेल्स को देख सकता है और क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी डाटा को भी देख सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपना खुद का क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं क्यूआर कोड बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, फ्री क्यूआर स्कैनर, बारकोड स्कैनर, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और क्रिएट करने का, हिस्ट्री का और सेटिंग का चार ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कोई चीज़ का आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है तो आपको अपने फ़ोटो को उस क्यूआर कोड के सामने ले जाना है और ये ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लेगा और उसकी वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाली है या फिर क्या वेबसाइट है या फिर क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वेबसाइट का डिटेल आ गया है तो इस वेबसाइट को हम कॉपी कर लेंगे या फिर इसे हमें ओपन करना है, शेयर करना है, तो फिर जो भी करना है तो हम कर लेंगे। जैसे किसी ब्राउज़र में ओपन करना है तो ओपन ब्राउज़र में क्लिक करेंगे और इस पर जो हमारा डिटेल्स है इसको हम देख सकते हैं। स्कैन के बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट का, यहाँ से आप अपना एक बारकोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, वाईफाई का लिंक दे सकते हैं, फेसबुक के बारे में दे सकते हैं, यूट्यूब के बारे में, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको यहाँ से देना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने क्यूआर कोड में डाल सकते हैं। जैसे हम एक क्यूआर कोड बना लेते हैं फेसबुक के बारे में या फिर यूट्यूब के बारे में, जैसे हम यूट्यूब के बारे में बनाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो का आईडी डालने का, या फिर चैनल आईडी डाल सकते हैं या फिर आप यूआरएल डाल सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने यूआरएल कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहां पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका एक बारकोड बन चुका है और यहां पर आपके बारकोड में जो है तो यूट्यूब का जो आपने यहां पर लिंक डाला है वो चीज यहां पर आ जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेव कर लेता हूं तो यहां पर यह सेव हो जाएगा और परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर लेंगे, आपकी गैलरी में यह क्यूआर कोड सेव हो चुका है। सो इस तरीके से दोस्तों आप अपना खुद का क्यूआर कोड बना सकते हैं और उसमें आप
इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, या फिर किसी क्यूआर कोड आप स्कैन करके उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।